नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूँ इस समय रीवा के प्रमुख जगह पर जिसको कहा जाता है जय स्तंभ। ठीक पीछे, मेरे ठीक पीछे एक काफिला आप देख रहे हैं, ये स्वामी शंकराचार्य जी का है। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। बताइए शंकराचार्य जी, रीवा में क्या कुछ कहेंगे? वो कहेंगे कि स्वास्थ्य और विकास के लेकर बात करेंगे और अपने कुछ विकास की, रीवा का बिंद का विकास हो और उसे स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे। तो ये बताइए, लगातार आप लोग शंकराचार्य जी की अगवानी में लगे रहे हैं, शंकराचार्य जी से मिलकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, शंकराचार्य जी धार्मिक काम ये जिस की धरती अनुरूप हो गई, शंकराचार्य जी को अपने पास। यहाँ पर शंकराचार्य जी के स्वागत की तैयारियां लगभग पूरी हैं। ये बताइए, शंकराचार्य जी का काफिला यहाँ पर आ रहा है, जिस तरीके से यहाँ लोगों में उत्साह दे रहा, आपको कैसा लग, क्या महसूस हो रहा है, किस तरीके से यहाँ के लोग धर्म को लेकर अपना वो कर रहे हैं? चलते, यही महसूस हो रहा है कि ये रीवा की जो जनता है उसके पुण्यों का उदय हो गया है। कहते हैं ना कि जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पुण्यों के उदय होने के बाद ऐसा अवसर आता है कि सत्संगति की प्राप्ति होती है। संगति की प्राप्ति होती है यहाँ पर, जिस तरीके से माहौल दिख रहा है उसको देख के माना जा सकता है शंकराचार्य जी के आने से रीवा में एक अजब उत्साह है। इस उत्साह को काफी दिनों बाद देखा गया है।
पूरे काफिले में आपके साथ रहूंगा और जिस तरीके से स्वामी जी का स्वागत होगा वो सब आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है, रीवा की सड़कों में जिस तरीके से स्वामी शंकराचार्य जी का स्वागत हो रहा वो अपने आप में अद्भुत है। शंकराचार्य जी का काफिला जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इस तरीके का माहौल रीवा में काफी अरसे बाद देखा गया। घोड़ों की सवारी, तमाम तरीके के साधु संत यहाँ पर देख के लग रहा है धर्म की गंगा बह रही है। जिस तरीके से यहाँ के लोगों में उत्साह है, इस उत्साह को देखकर माना जा सकता है शंकराचार्य जी के आने के बाद रीवा में नई आस्था का जन्म होगा। स्वामी शंकराचार्य जी महाराज के साथ काफिले में काफी लोग मौजूद हैं। मैं कुछ काफी लोगों से बात करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, जानने समझने की कोशिश कर रहा हूँ जिस तरीके से यहाँ पर माहौल है। ये बताइए स्वामी जी के आने के बाद कैसा लग रहा है आपको? स्वामी जी के आने के बाद भारी प्रसन्नता है, मन बहुत शांत लग रहा है। शंकराचार्य जी स्वामी जी पहली बार आए हैं अपने यहाँ, भ्रमण में निकले हैं, आ चुके हैं पहले भी विदाई के यहाँ फार्म हाउस अपने रीवा सुमन वाटिका में आ चुके हैं, लेकिन आज पहली बार वो नगर भ्रमण में निकले हैं। हम लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, जगह जगह स्वागत हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं, और मन बड़ा प्रफुल्लित है इसको लेके, जगह जगह स्वागत हो रहा है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर इसमें देख पा रहे हैं उस स्वामी शंकराचार्य जी ट्रैक्टर में सवार रीवा की सड़कों से निकल रहे हैं। जिस तरीके से रीवा की सड़कों में इस समय जन सैलाब दिखाई दे रहा है, माना जा सकता है धर्म को लेकर यहाँ पर काफ़ी आस्था है, लोगों में काफ़ी उत्साह है।